आज क्रिकेट जगत की एक बड़ी शख्सियत श्री गौतम गंभीर जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से आग्रह करूंगा कि उनका स्वागत करें। रविशंकर प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि भूखे उनको भेंट करें। श्री अरुण जेटली जी श्री गौतम गंभीर जी को सदस्यता की पर्ची देंगे। मेरा श्री अरुण जेटली जी से आग्रह है कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। मित्रों, पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी का काफी विस्तार हुआ है। देश के अन्य हिस्सों में भी पहले जहां हम कमजोर होते थे वहां भी विस्तार हुआ है। आज हम वहां भी जीतने की स्थिति में हैं और एक प्रकार से एक वक्त कहा जाता था कि हम एक काडर बेस्ड पार्टी हैं, वो आज भी हमारी विशेषता है, लेकिन उसके साथ साथ हम काडर बेस्ड मास पार्टी भी बने हैं जिसकी कि एक बहुत बड़ी फॉलोइंग और देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हैं हम। और हमारी पार्टी में हमारे कार्यकर्ता भी नेतृत्व तक पहुंचते हैं और प्रमुख नागरिक जो देश के हैं, विशेष रूप से जिन्होंने किसी ना किसी क्षेत्र में एक्सीलेंस प्राप्त की हो, ऐसे लोगों को भी पार्टी में लाना, और क्योंकि देश की बागडोर हमारी पार्टी के और हमारे सहयोगियों के हाथ में है और उम्मीद है कि रहेगी, तो इस प्रकार के लोगों से हर क्षेत्र की और पार्टी का, सरकार का, देश की नीति का ध्यान जा सके, ये एक हमारी पुरानी नीति रही है। वी आर ऑल्सो अ काडर बेस्ड मास पार्टी नाउ वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस एंड मोस्ट ऑफ आर लीडर्स हैव इमर्ज्ड फ्रॉम आर काडर, बट वी लैटरली ऑल्सो इंडक्ट पीपल हु अचीव्ड एक्सीलेंस इन वेरियस फील्ड्स। तो आज श्री गौतम गंभीर प्रसिद्ध नाम है, बहुत दशकों तक क्रिकेट खेलते रहे और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा स्थान हासिल किया। विशेषता यह है कि ये दिल्ली में ही जन्मे पले, यहीं पर पढ़े और दिल्ली में मॉडर्न स्कूल, फिर हिंदू कॉलेज और उसके बाद दिल्ली में हर स्तर पर क्रिकेट खेली, अंडर 16, अंडर 19, रणजी ट्रॉफी, कैप्टन रहे दिल्ली के बहुत सालों तक, हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेली और एक्सेल किया अपने करियर में। आईपीएल में दो टीमों के कैप्टन रहे और उसके बाद 2007 में T20 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता और 2011 में 50 ओवर ODIs का वर्ल्ड कप जो भारत में जीता, तो उसके फाइनल्स में इनकी पीक परफॉर्मेंस ही एक प्रकार से दोनों जीतों में इनका बहुत बड़ा रोल था पिछले दोनों विश्व कप में।
और आज ये भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हो रहे हैं और अपने क्षेत्र में काम करने के बाद क्रिकेट की फील्ड में खिलाड़ी के रूप में आप रिटायर रहे हैं, लेकिन खेल के साथ जुड़े हुए हैं कमेंटेटर के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में, तो आज ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडक्शन अपनी पार्टी में मानते हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिले हैं और पार्टी में आने से इनका जो पूरा टैलेंट है उसका पार्टी प्रयोग करेगी और मुझे विश्वास है कि पार्टी को इनके आने से बहुत बहुत लाभ होगा। मैं इनका स्वागत करता हूं। एक मिनट, इससे पहले कि गौतम गंभीर जी आपके अपने विचार रखें, रवि जी इस अवसर पर कुछ कहना चाहते हैं। मित्रों, जो अरुण जी, माननीय अरुण जेटली जी ने कहा है, सर उसमें दो चीजें जोड़नी है। गौतम गंभीर जी अभी तक भारत की ओर से 58 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 150 वनडे और ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 11,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। देयरफॉर उनका प्रोफेशनल स्टैचर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से प्रभावित होकर और जो भारत ऊंचाई पर बढ़ रहा है उनकी अगुवाई में बीजेपी एनडीए के साथ, इसने उन्हें बहुत प्रभावित किया है जिसके कारण वो बीजेपी में आज ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी अनिल जी, बाकी अब मैं गौतम गंभीर जी से आग्रह करूंगा कि जो भी उनको इनिशियल कमेंट्स करना है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जेटली सर, रविशंकर प्रसाद सर एंड बीजेपी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर द कंट्री। एंड जैसे सर ने बोला कि ऑब्वियसली मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम ज्वाइनिंग दिस पार्टी एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड इन क्रिकेट एंड दिस इज अ फैबुलस प्लेटफॉर्म for me to do something really good for this country and take this party forward and make this country a much better place to live. So I'm sure, jaise sir ne mujhe bola, with sir's blessing and I'm going to try and do my best and thank you very much once again. ऐसा है कि पार्टी में एक व्यवस्था है तय करने की और ये विषय सारे इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए आप। ऐसा ये विषय भी आप इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए, वो पार्टी में शामिल हुए हैं और जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। देखिए, वो तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता के रूप में और एक कैंपेनर के रूप में तो सक्रिय रहेंगे ही, इनका और क्या प्रयोग पार्टी करती है वो औपचारिक रूप से पार्टी निर्णय लेगी, जब निर्णय लेती है आपको बतला देंगे। विकास भदौरिया, विकास भदौरिया, ऐसा है कि अगर आपने इनके ट्वीट्स पढ़े हों जब ये क्रिकेट खेलते थे और अगर आपको वो विजुअल याद हो जो इनका शायद सबसे प्रसिद्ध विजुअल है कि पाकिस्तान के मैच में जब एक प्रकार से कोई अनप्लेजेंटनेस आई तो जो हमारा पुराना अनुभव है एक क्रिकेटर था कि वो ज्यादा पाकिस्तानी सिंपथाइजर बन गए, कम से कम इनका इतिहास वो नहीं लगता। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो लोग इस देश को समझते नहीं हैं,
इस देश की सुरक्षा को नहीं समझते, इस देश के सेंटिमेंट और जज्बात को नहीं समझते कि इस प्रकार का बयान दे सकते हैं। पॉलिसी रही विशेष रूप से यूपीए सरकार के दौरान, मोदी जी के नेतृत्व में उसको इवॉल्व किया है, और इवॉल्व किया है इस दृष्टि से कि अब केवल हम देश में अपनी रक्षा करेंगे, जब वो आएंगे तो उनसे निपटेंगे, अब नीति ये नहीं है, और आवश्यकता के अनुसार उसका एवोल्यूशन हुआ है। आवर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हैज इवॉल्व्ड कि जहां से आतंक आरंभ होता है अपनी रक्षा करने के लिए, हम वहां उसको डिस्ट्रॉय करने जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक भी यही थी और एयर स्ट्राइक्स भी यही थी। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी निंदा की हो। हमारे दोनों ऑपरेशन सफल हुए, टेररिस्टों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सनल, आर्मी का सर्जिकल स्ट्राइक में या एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक में सैक्रिफाइस नहीं हुआ। हमने सिर्फ टेररिज्म पे अटैक फोकस किया और सफल होकर वापस आए, और पूरी दुनिया ने हमारा समर्थन किया। अब आज का ये बयान श्री सैम पित्रोदा का ये दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि यह गलत किया हमने। यह तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, और किसी ने अगर कहा, यह तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल यह पाकिस्तान ने कहा। और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं, और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों, तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैं ये कहूंगा कि देश को अब यह तय करना है कि वो पुरानी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन थी कि वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके रोज टेररिस्ट भेजें और हम लोग उसको अपने आप को डिफेंड करते रहें। मैं गौतम गंभीर यहां बैठे हैं तो इसलिए क्रिकेट का उदाहरण देके ज्यादा सरलता से समझाऊंगा। मैच कभी बैकफुट पे खेल के जीता नहीं जाता, फ्रंट फुट पे जीता जाता है, रन तभी बनते हैं, और यही हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुआ है। अगर गुरु कैसा हो, ऐसा हो और उसके विचार ऐसे हो, तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा, आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट फॉर इंडिया, एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट समबडी हुज एन आइडियोलॉग ऑफ द कांग्रेस पार्टी हैज सेड सो। I think such people have no connect with India's security requirements. The pain that we have suffered, the loss that we have suffered over the last 3 decades because of terrorism, was warning us against such an action. They were disapproving it. And they were using the nuclear bluff. On both occasions, the nuclear bluff was also called off. This is now an ideological battle between those who want to defend India through all instruments or strategies at its command, or those who want India to fight against terrorism with kid gloves and with their hands tied behind them. If the tutor has these views,
there is student. I think will do what the present student is doing. This is not the first time that a senior leader of the Congress party has made such a statement. Repeatedly such statements have been made. I am sure, and I am repeating what I have said earlier, Mr. Sam Pitroda will be very high in his TRPs on Pakistan TV today. I am equally sure that the level of revulsion against his statement in India will also be very high. I echo what sir has just said, and I'm absolutely of the same opinion, and what sir has just mentioned to all of you. So totally endorse that statement. You see, I'll tell you, just adding to what he says in response to your question, there is a basic erroneous premise in that theory, that why blame the whole country for what 8 people entered Mumbai on 26/11. This erroneous premise is a self-deception. It is based on a presumption that there is a distinction between the state actors and the non-state actors in Pakistan. Post 26/11, the non-cooperative attitude of the Pakistani successive governments and their reaction to Pulwama, coupled with the fact that you had structured camps, not a Shamiana camp in a forest, but these were like military training academies. Such camps operating conclusively shows that there is no distinction between state actors and non-state actors in Pakistan. The non-state actors are only an extended limb of the ISI. एक बात ऐड करना चाहता हूं अरुण जी की अनुमति से सैम पित्रोदा यह नहीं समझते कि उन 8 लोगों के पीछे पाकिस्तान की पूरी सल्तनत खड़ी है पायल नो दे वेंट अ स्टेप फर्दर देयर स्टैंड नॉट ओनली कॉम्प्रोमाइजेस द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया It compromises India as a nation. To say that the Pulwama attack was self-engineered is the Samajwadi Party a propagandist for Pakistan? Pakistan could not have loved anything more than the Samajwadi Party stand. Last question. Ashok. देखिए पार्टी इन सब पक्षों में अपने इंटरनल मैकेनिज्म्स के माध्यम से निर्णय लेती है और पार्टी के सभी लोग विशेष रूप से जो बहुत वरिष्ठ हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है उस सारी सिस्टम का एक अंग होते हैं तो इसलिए आपके द्वारा ये शब्द का इस्तेमाल करना काटा गया एक्सेट्रा ये उपयुक्त नहीं होगा बहुत बहुत धन्यवाद अभी गौतम गंभीर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करेंगे तो जितने अपने कैमरामैन हैं वो सब लोग आ सकते हैं